जो घटना घटी है यकीनन वो बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है। हमने डेलीगेशन ने यही मांग की है कि उनके परिवार वालों को इंसाफ मिले। तो ये लोग भी तो अपराधी हैं, इनकी वीडियो वायरल हो गई, इससे बड़ा सबूत क्या मिल सकता है? आपको चाहिए अगर कोई गलत कर रहा है तो पुलिस में मुकदमा दर्ज करिए। पुलिस किस लिए है फिर? अलीगढ़ में मुस्लिम युवक औरंगजेब की हत्या के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश के बाद अलीगढ़ में एक सपा का डेलीगेशन अलीगढ़ पहुंचा है, जिसमें संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्क और कांट से जो विधायक हैं कमाल अख्तर साहब अलीगढ़ पहुंचे हैं। फिलहाल बातचीत करने के लिए जो सांसद हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, जियाउर रहमान वर्क। बातचीत करेंगे किस तरह से परिवार से मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन दिया है और आखिरकार किस तरह की मांग जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा की जा रही है। सांसद जी, श्रेष्ठ यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। पहला मेरा सवाल है आपसे, किस तरह आज परिवार से मिले हैं? चूंकि लगातार जिस तरह औरंगजेब की हत्या हुई उसके बाद शहर आग के मुंह से वापस निकल कर आया, माहौल अलीगढ़ का बहुत खराब रहा, दोनों समुदाय आमने सामने आ गए, किस तरह की मांग की है? देखिए, जो घटना घटी है यकीनन वो बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है। किसी की भी व्यक्ति को इस टाइप से जान ले लेना, हमारा कानून संविधान किसी को अधिकार नहीं देता। और जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए हैं वो चीज़ सारे के सारे गलत थे, कोई चीज़ साबित भी नहीं हो पाई है। और इंटेंशनली के मुस्लिम समुदाय को देखते हुए उनको मारा गया है। हमने परिवार से मिले हैं, डीएम और एसएसपी से दोनों से मिले हैं। हमने डेलीगेशन ने यही मांग की है कि उनके परिवार वालों को इंसाफ मिले, उनके खिलाफ जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है उसी में आगे कार्रवाई बढ़नी चाहिए। जो चार लोग बचे हुए हैं उनकी अरेस्टिंग जल्द से जल्द होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपया शासन के द्वारा उनकी मदद होनी चाहिए। जिलाधिकारी अपने स्तर पर, जिले स्तर पर उनकी फ़िलहाल कुछ मदद करें और सरकारी नौकरी एक मिलनी चाहिए। और जिन लोगों ने इन चीज़ को अंजाम दिया है, और जैसे कि सरकार दूसरे पर बुलडोज़र चलाती है उसी तरह से इनकी लोगों के अपराधियों के खिलाफ भी इनके घर और कारोबार पे बुलडोज़र चलना चाहिए। बुलडोज़र कार्रवाई की मांग जो है वो लगातार जो औरंगजेब का परिवार है, उनकी बहन है, वो लोग करते आ रहे थे, तो क्या समाजवादी सरकार भी अब ये चाहती है कि? हम ये कहते हैं, हमारा मकसद ये है कि जब आप सरकार दूसरे लोगों के ऊपर बुलडोज़र चला सकती है तो इन अपराधियों के खिलाफ, तो ये लोग भी तो अपराधी हैं। इनकी वीडियो वायरल हो गई, इससे बड़ा सबूत क्या मिल सकता है? अगर उनको लगता है कि ये चीज़ क्लियर है तौर पर, इसमें कोई ज़्यादा जांच की आवश्यकता नहीं बचती है, तो यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोज़र की कार्रवाई चलनी चाहिए। जी, आरोप ये है कि औरंगजेब वहाँ चोरी के इरादे से गया था, इस दौरान पकड़े गए और उसके बाद पीटकर हत्या की गई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक चीज़ तो मैं आपको पहले स्पष्ट रूप से बताता चलूँ कि उनके साथ में कोई भी चीज़ सिद्ध नहीं हुई है कि उन्होंने के चोरी के मकसद से वो अंदर घुसे हैं। अगर अंदर घुसे हैं तो वहाँ की फोटोज़ दिखाई है, अगर वो गए हैं, इन लोगों ने इंटेंशनली उनके साथ में ये हरकत की है। 1% अगर कोई व्यक्ति, उन्होंने नहीं किया, औरंगजेब ने कोई चोरी के मकसद से, अगर कोई व्यक्ति अगर चोरी करता भी है तो हमारा कानून किसी को अधिकार नहीं देता कि वो अपने हाथ में कानून लेकर के, हमारा संविधान अधिकार नहीं देता कि आप उसको निर्मम हत्या कर दो। आपको चाहिए अगर कोई गलत कर रहा है तो पुलिस में मुकदमा दर्ज करिए। पुलिस किस लिए है फिर? आप मॉब लिंचिंग करोगे, इसके लिए कतई भी कोई ना समाज जिसको इजाज़त देता है ना कानून इजाज़त। आज पीड़ित परिवार से आप मिले हैं, पीड़ित परिवार किस तरह की मांग कर रहा है? पीड़ित परिवार की जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको वही बताई हैं और हम उसी के लिए कार्रवाई के लिए हमने कहा। देखिए, ये मेरे साथ जो है संभल से सांसद जो है जियाउर रहमान वर्क मेरे साथ थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पीड़ित परिवार की जो बातचीत की गई है उस बातचीत के दौरान ही ये अब जो है अखिलेश यादव को एक पत्र भेजा जाएगा और उसमें जिस तरह की मांग लगातार पीड़ित परिवार के द्वारा की जा रही है उसको पूरा कराने की मांग जो है पूरी कराई जाएगी। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं विनय मात्र, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।